नमस्कार सभी माता और बहनों ने मेरा ऑडियंस ने मेरे दोस्त के नाम आज मेरा मामा जी का लड़का और लड़की की शादी से जो मेरी शादी में जा रहे थे मामा के बाबू सोटालो से बरूसरे से गाड़ी की डिग्गी खोल रहे थे सामान रखवा के लिए बाबू को छीड़ लग गई का लेडी संगीत है जो जा रहे हैं लेडी संगीत में पहले गाँव जाएंगे मेरे पियर वहाँ से भाई साहब के बच्चों को लेके फिर मामा जी के यहाँ जाएंगे रिंगस के पास में है मेरे मामा जी छोटा गुड्डा तो कल मैं वहाँ का भी दृश्य दिखाऊंगी आपको ठीक है अभी चलते हैं लेट हो रहे हैं पापा का फोन आ गया दो तीन बार बाय चलते हैं मैं जा रही हूँ मेरी नानी के हमारे वहाँ पे मामा जी के लड़के और लड़की की शादी है तो आज तो बचपन के दिन याद आ गए कि हम नानी के जा रहे हैं बोले आज तो मैं मामा के जैसी हूँ बस पर मैं तो नानी के खूब जाया करते थे खूब मतीरे तरबूज खाया करते थे खूब लेकिन अब शादी के बाद में बहुत कम जाते हैं कोई प्रोग्राम होता है जब भी जाना होता है तो पहले तो मैं जाऊँगी लुनियावास मेरी मम्मी के यहाँ पे तो वहाँ से लूँगी भाई साहब के बच्चों को उनको साथ लेके फिर वहाँ जाएंगे नानी के तो मेरा ननिहाल है रिंगस के पास में छोटा गुड्डा कल मैं आपको वहाँ मेरी नानी मामी सबसे परिचित करवाऊंगी वहाँ भी मैं एक दो वीडियो बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी गांव का परिवेश गांव में कैसे शादी विवाह होते हैं और कैसे हुए गांव की हवेलियाँ सब चीज़ें दिखाऊंगी ये मेरा गांव आ गया है बचपन की यादें ताज़ा हो रही है आज बच्चों की छुट्टी हुई है स्कूल की जो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं गांव की झलक भी शादी के बाद में बहुत कम को मिलती है तो मन बिल्कुल खुश हो जाता है अभी मैं गांव जाके आपको मम्मी पापा मम्मी तो नानी की गई हुई शादी में पापा जी से भाभी से और बच्चा पार्टी से इनसे परिचित करवाऊंगी रोड भरी हुई जा रही है गवर्नमेंट स्कूल में हमारे गाँव में अभी भी आज भी इतने बच्चे पढ़ते हैं तो देखे जगह ही नहीं है रोड पे मामा जी के बच्चे भी शायद आज वो तो स्कूल ही नहीं आए क्योंकि उनके तो बुआ जी आने वाली है आज वो तो शादी में जाएंगे अभी मेरे घर आने वाले हैं तो मैं दिखाऊंगी आपको मेरा घर मेरे घर थोड़े पुराने टाइप के ही हैं क्योंकि नया घर बनाने की प्लानिंग चल ही रही थी ताकि बीच में भैया एक्सपायर हो गई अभी आर्थिक स्थिति थोड़ी ऐसे ही है अभी तो छोटा वाला भाई है वो काम पे लगा ही है जो कर लेंगे और आगे हो जाएगा भगवान चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा सरसों का खेत है इधर गेहूं बो रखे हैं तो मैं रहने का मजा तो गांव में ही है क्या शानदार नज़ारा है खेतों का तो मैं आपको अभी सभी से परिचय कराता हूँ कोमल के नाना जी है मतलब तो कैसे हो अभी नाना जी बढ़िया हो अभी हाँ ठीक है ये मनु है ये कोमल ये नाना जी है अभी मैं आपको यहाँ पे गाय भैंसे वगैरह सब दिखाता हूँ ये गीतिका है ये भरत है छोटा सा बच्चा है ये बकरी का बकरी है बकरियां गाय भैंसी है इधर खेत पूरा सरसों ही सरसों है यहाँ पे गेहूं है यहाँ पे फिर चारा है गाय का तो ऐसे ही है तो ऐसा है मेरा ननिहाल शादी वाला ब्याह की बात कर रही तू रिकॉर्डिंग भाई जवाई चल ना माफू तिलक कार्ड स्वागत कर रही बंदड़ी तिलक कार्ड रही भाई मागे कर रही मासी जी चाहे बड़ी पप्पू जी मम्मी बड़ी मासी सबसे छोटी मासी
मम्मी की बुआ जी, नानी मेरी, सासू।